हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ किनोवा की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी। इसके हेल्थ बेनिफिट्स आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारे किचन में आज हम लेके आए हैं किनोवा की हेल्थी और टेस्टी सी रेसिपी, तो आपके साथ मिलकर बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ किनोवा की एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने किनोवा लिया है एक कटोरी भरकर, और मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर दिया है 3 से 4 पानी में, और इसको स्ट्रेनर पे डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 2 गाजर को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, एक यहाँ पर लेमन लिया है, 3-4 कड़ी पत्ते, और 2 छोटे प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, और आधा कटोरी मटर। किनोवा को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि इसके कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं इसकी बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। आज मैं इसको घी में बना रही हूँ, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा जैसे ही क्रैकल हो जाएगा, हम इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे, और इसको हल्का सा सोते कर लेंगे। हम इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज जब हमारे हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, बिल्कुल हल्के से हमें करने हैं, ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करने हैं। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे जो हमने बिल्कुल बारीक काट के रखी है, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना कितना कलरफुल सारी, इसमें वेजिटेबल भी है और किनोवा भी बहुत ही हेल्थी है। तो वैसे भी ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब हम इसे स्टेज पे नमक डाल देंगे ताकि हमारी सब्जियां अच्छी तरह कुक हो जाए। इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। गैस की आंच को हमने बिल्कुल सिम कर दिया है। नमक डालने से हमारी सब्जियां कुक हो जाएगी। अब हम इसको ढक के 5 मिनट तक रख देंगे। 5 मिनट बाद फिर चेक करेंगे हम। अब हम सब्जियों को चेक कर लेते हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी से कलर बहुत अच्छा लगता है, तो जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो खाने में अच्छी लगेगी ही। अब हम इसमें किनोवा ऐड कर देंगे जो हमने वॉश करके रख रखा था, और अच्छी तरह से इसको मसाले में मिक्स कर देंगे और उसको थोड़ी देर भून लेंगे ताकि ये भी हमारा पूरे मसाले में अच्छी तरह से भून जाए। किनोवा हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे क्योंकि हमने 1 कटोरी किनोवा लिया था, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें टेस्ट के लिए हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। नमक और हल्दी हम पहले से ही डाल चुके हैं, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको ढककर पका लेंगे। इसमें बॉयल आ गया है, अब हम इसको चलाकर देख लेते हैं। उसके बाद फिर इसको गैस की आंच को कम करके ढक्कन लगाकर पका लेंगे, जब तक कि हमारा किनोवा पक जाएगा और पानी पूरा सूख जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए किनोवा हमारा बनकर तैयार है, बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गया है। देखिए अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें 1 लेमन जूस ऐड कर देंगे। इससे लेमन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है,
और हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। अब हम सर्व कर लेते हैं। तो बनके तैयार हो गई है हमारी हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी। अब हम सर्व कर लेते हैं। तो अगर आपको भी मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। लीजिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गई है हमारी हेल्दी सी टेस्टी सी रेसिपी किनोवा की। अगर आपको भी आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए और आप मेरी हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी देखते रहें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।